राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग अब ओला, उबर, रैपिडो की बाइक सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने तात्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी सर्विस को प्रतिबंध करने का आदेश दिया है। केजरीवाल सरकार ने यह नोटिस निकालने से पहले शहर में बिना परमिशन की बाइक टैक्सी चला रहे ओला, उबर और रैपिडो को चेतावनी जारी की थी, पर चेतावनी को सीरियसली ना लेने के कारण इस पर सीधा बैन लगा दिया गया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिस के जरिए कहा कि कमर्शियल ऑपरेशन में ओला, उबर और रैपिडो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले टू व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन करता है और इसलिए बाइक टैक्सी सर्विस को बैन कर दिया गया है। इस अपराध में पहली बार लिप्त पाए जाने पर 5,000 रुपए जबकि दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना है और 1 साल की कैद भी हो सकती है। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस आदेश से ओला, उबर और रैपिडो के साथ साथ उन हजार लोगों को बड़ा झटका लगा है जो इन बाइक टैक्सी सर्विस को अपनी डेली कम्यूट के रूप में इस्तेमाल करते थे और पैसे बचाते थे।